जिंदाबाद, पन्ना सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, नमस्कार। एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। चुनाव की तारीख बिल्कुल नज़दीक आ गई है, 3 नवंबर को चुनाव होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने दौरे पे है। ऐसे में अभी हम मौजूद हैं बढ़रिया विधानसभा क्षेत्र के सवना गांव में। हमारे साथ मौजूद हैं रालोसपा के उम्मीदवार वन्ना सिंह कुशवाहा। इनसे लगातार बातचीत हो रही है, इनके दौरे को एटीएन लाइव हर जगह जाके कवरेज कर रहा है और न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ वन्ना सिंह कुशवाहा मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि अभी तक कौन कौन से क्षेत्रों में इन्होंने दौरा किया। मैडम बताइए कि अभी तक आपने बढ़रिया विधानसभा क्षेत्र के कौन कौन से क्षेत्र में दौरा किया है। सबसे पहले आपके न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम है। अभी मैं दर्जनों गांव का विजिट करके आ रही हूं। अभी बढ़रिया के सावना गांव में हैं। यहां का समर्थन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। मेरे जो नौजवान भाइयों लोग हैं वो मुझे समर्थन ज़्यादा दे रही हैं। मेरी जो माताएं हैं, मेरी बहन हैं, वो समर्थन दे रही हैं। यहां का रिस्पांस जो मुझे मिला वो अच्छा मिला। ये बताइए, वर्तमान में जो काम हुआ है, जो भी डेवलपमेंट किया गया या फिर जो भी काम किया गया है, क्या वो सही हुआ है? यहाँ तो कोई विकास नहीं दिख रहा है। यहाँ के जो जनता हैं, मेरे पिता तुल्य जो हैं, उन लोगों से आप एक बार ले लीजिएगा न्यूज, क्या बोल रहे हैं, यहाँ कितना विकास हुआ है। मेरे देखने से कोई विकास नहीं दिखा। यहाँ के लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है ढंग का, और जिस मुद्दे को लेके हम यहाँ पे उतरे हैं वो है मेरा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार। ये 3 गो मुद्दा लेके हम उतरे हैं। यहाँ के जनता जनार्दन जो भी हैं, मेरे भाई सब लोग यही बोला कि यहाँ स्कूल का व्यवस्था नहीं है। उम्मीद रखते हैं हम लोग कि आप अगर जीत के आ रही हैं तो यहाँ विकास करिएगा। वन्ना जी, आपसे अलग अलग क्षेत्रों में भी हमने बातचीत की है, जहाँ भी आप जाती हैं एटीएन लाइव की टीम वहाँ पहुँच के वहाँ कवरेज करती है, बातचीत करती है। ये बताइए कि यहाँ सवना में लोगों की परेशानियां क्या क्या हैं? यहाँ सावना में परेशानियां मुझे ये दिखा कि सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य के बारे में बताया लोग कि स्वास्थ्य यहाँ पे अच्छा नहीं है, नज़दीक नहीं है, और स्कूल भी नज़दीक नहीं है। 10 किलोमीटर दूर बच्चे जाते हैं, मेरे जो बेटे हैं बेटियां हैं वो 10 किलोमीटर दूर जाते हैं पढ़ने के लिए। हम सावना के जनता से यही निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि एक बार मुझे मौका दें, उसके बाद ज़रूर हम विकास लाएँगे। सवना के लिए सबसे पहला मैनिफेस्टो आपका क्या होगा? सबसे पहले यही होगा कि मैं इस गांव में स्कूल का व्यवस्था करेंगे और स्वास्थ्य का व्यवस्था करेंगे। अगर मेरे जो बच्चे हैं, मेरे बेटा हैं, वो अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे जॉब भी मिल सकते हैं। यही मेरा उम्मीद है सावने गाँव के जनता से कि मुझे एक बार वोट दें और विजयी करें। आप बताइए, आप लोग लगातार वन्ना सिंह कुशवाहा जी के साथ साथ दौरे पे रहते हैं, इनके हर जगह जहाँ भी ये जाती हैं आप लोग साथ में जाते हैं, तो लोगों का समर्थन इनको कैसा मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है अभी समर्थन इनको, अभी फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे गांव में, यहाँ समर्थन भी अच्छा है इनका। आप इसी गाँव के हैं? जी यहीं का हैं। ये बताइए, वर्तमान में जो अभी विकास हुआ है, क्या सही मायने में विकास हुआ है? विकास तो सही नहीं हुआ है मेरे गाँव में, पंचायत में, इस पंचायत में भी विकास बढ़िया हुआ नहीं है मेरे गांव में भी। स्कूल का भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत सी दिक्कत है, लड़के बहुत दूर जाते हैं यहाँ से पढ़ने में। अभी जो है विकास यहाँ नहीं हुआ है। आप बताइए, क्या लगता है इस बार क्या होगा? इस पर उम्मीद करते हैं लोग कि जो भी सरकार चुन के आएगी, ये वन्ना सिंह कुशवाहा जी अगर चुन के आती हैं, जैसा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है इनके तरफ से भी, या फिर हम लोग को भी जो यहाँ से गांव का जो रिस्पांस मिला वो बहुत अच्छा मिल रहा है, तो उम्मीद करते हैं लोग कि इस बार ये जो कुछ मतलब हम लोग से बता रहे, जैसे कि स्कूल का व्यवस्था करेंगे, शिक्षा का व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, तो उम्मीद करते हैं लोग कि
मतलब उस पर ये खड़े उतरे, ताकि और बाकी सब तो हम लोग सपोर्ट में हैं। आप बताइए आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? इस बार वंदना जी जीतेंगे। वंदना जी जीतेंगे जी। अभी जो वर्तमान में जितने भी विकास हुए, क्या सही मायने में विकास हुआ है या फिर इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। सर आप बताइए आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? इसको बदलाव दिया जाए, बदलाव कर दिया जाए। आप लोग का पूरा समर्थन वंदना सिंह कुशवाहा जी के साथ है? वंदना सिंह के साथ है। अभी हमने कुछ सवना गांव के लोगों से भी बातचीत की और उनके समर्थकों से भी बातचीत की जो दौरे में हमेशा साथ रहते हैं, जहां भी ये लोग दौरा करने जाते हैं उनके साथ ही रहते हैं। उनसे हमने बातचीत की कि लोगों का समर्थन कैसा मिल रहा है, तो सबका यही कहना है कि लोगों का समर्थन जो है वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। अभी हम वंदना सिंह कुशवाहा के हस्बैंड हेमंत सिंह कुशवाहा से भी बातचीत करेंगे कि ये भी अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि वंदना सिंह कुशवाहा किसी और क्षेत्र में जाती हैं और हेमंत सिंह कुशवाहा किसी और क्षेत्र में जाते हैं, तो हम इनसे भी जानेंगे कि लोगों का समर्थन इनको कैसा मिल रहा है। सर बताइए लोगों का समर्थन आपको कैसा मिल रहा है, रुझान किसके तरफ है इस पर? देखिए आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। रुझान बहुत अच्छा आ रहा है, इसमें नो डाउट। जनता ने इस बार महिला प्रत्याशी के युग प्रत्याशी के लेकर काफ़ी चिंतित है, जिताने की काम कर रही है। हम ही नहीं जा रहे हैं, तमाम जनता जा रही है अलग अलग टीम बनाकर और घूम रही है, लोगों के बीच जा रही है, ताकि हम और वंदना जी नहीं ही घूम रहे हैं, यहाँ सैकड़ों नौजवान लगे हुए हैं, घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। वंदना जी भाई भी जा रहे हैं जी? मेरे भाई भी जा रहे हैं, मेरे पिताजी भी जा रहे हैं, पूरे टीम लगा हुआ है, मतलब परिवार के साथ साथ जनता भी साथ में जा रही है। हाँ बिल्कुल, हमको तो आज लग रहा है आज 20 टीम से ऊपर निकला हुआ है, और भी हम नहीं बाइक से अपने हमारे जनता सब मैंने यहाँ के वोटर लोग लगे हुए हैं कि कैसे निकाला जाए और सम बहादुर सिंह को हराया जाए। यानी कि इस बार आपकी लड़ाई सम बहादुर सिंह से ही है, तभी तो आपने कहा कि इस बार उनको हराया जाए। देखिए लड़ाई की बात तो दूर की बात है, वो तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, वो तो सिर्फ रोड पर 25-30 गाड़ी लेकर चलते हैं, जनता बैठाने के नाम कहाँ ले रही है। किसी गांव में किसी लोग से भी, यहाँ के लोगों से भी पूछिए जो कभी 5 साल में आए ही नहीं, तो क्या लड़ाई देंगे या नहीं देंगे। इस बार जनता ही उनको शौक सिखाएगी और जनता ही को वोट देना है, जनता ही मालिक है, इस पर आ गया है, सामने है। अच्छा ये बताइए कि ATN लाइव के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे, मेरा चुनाव चिन्ह है पंखा छाप, 2 नंबर पर है, 2 नंबर पर बटन दबाए, वंदना सिंह कुशवाहा को विजय बनाए, ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य युवाओं के लिए रोजगार का मुहैया कराने के काम करें। वंदना जी आप बताइए कि ATN लाइव चैनल के माध्यम से आप बढ़रिया विधानसभा क्षेत्र की जनता से और अभी जहाँ आप मौजूद हैं सवना गाँव में, इस गाँव की जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? ये अपील करना चाहेंगे कि मेरे जो पिता तुल्य हैं, मेरे भाई हैं, मेरी माता हैं, जो मेरी बहन है, सबसे यही अपील करेंगे कि इस बार मुझे मौका दें और चुने अपना नया प्रत्याशी को, और फिर विकास होगा। तो हमने अब तक वंदना सिंह कुशवाहा और हेमंत सिंह कुशवाहा दोनों से बात किया और यहाँ की जनता से भी बात किया, लोगों का समर्थन इनके साथ है। अब देखना ये होगा कि 10 नवंबर को जब मतगणना होगी तो किसकी विजय होती है और बढ़रिया विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना विधायक चुनकर विधानसभा में भेजने का काम करती है। हमारे सहयोगी विकेश के साथ कीर्ति वैभव, बढ़रिया, सिवान।